दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ आगरा में भारत के पहले ऐसे फूड कोर्ट पर, यहाँ सब्जियों को तौल तौल कर दिया जाता है। शाही पनीर हो जा कढ़ाई पनीर, बैगन का भरता हो जा दाल मखनी, कढ़ाई चाप हो जा दम आलू, सब कुछ तराजू में तौल तौल कर दिया जाता है। आज तक आपने केवल कच्ची सब्जियां ही तौल कर खरीदी होंगी, पर यहाँ आपको 22 तरह की गैस पर पकी हुई सब्जियां तौल कर साथ में हर तरह की रोटियां मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से लेते हैं यहाँ के खाने का स्वाद, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आनंद आ जाएगा। ये है कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर है ये 120 रुपए का 250 ग्राम है। 120 रुपए का 250 ग्राम है ये। आपको हमारी दुकान पहली ऐसी दुकान है जो हम तोल के सब्जी बेचते हैं। अच्छा, तोल के सब्जी। आपने कच्ची सब्जी तो देखी होगी, कच्ची सब्जी तो आपने तोल के बेचते हुए देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, पर ये बनी बनाई सब्जी नहीं देखी। अच्छा भाई साहब, रेगुलर कस्टमर है आप? हाँ, बहुत लेके जाता हूँ, हर वीक लेके जाता हूँ, बहुत अच्छी सब्जी। भाई हिंदुस्तान की पहली ऐसी दुकान है, पहली ऐसा रेस्टोरेंट, यहाँ आपको तौल के सब्जी दी जाती है। सब्जी मिल जाती है। तो चाचा जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरीश कुमार है। वैसे हरीश कुमार, तो कितना टाइम हो गया इस दुकान को? 5-6 साल हो गए। 5-6। तो किस नाम से? ये डीआर फूड प्लाजा। डीआर फूड प्लाजा ये है शाही पनीर। ये सब पनीर सब सेम है? अच्छा, सारे पनीर सेम है। 480 रुपए किलो शाही पनीर है। ये पालक पनीर है, ये दम आलू है, मलाई कोफ्ता है, मटर पनीर है, मशरूम है। थोड़ा सा रेट भी बताइएगा। ये सब 480 रुपए किलो है। सारे 480 रुपए किलो है। थोड़ा सा चला के भी दिखाना। ये बैगन का भरता है। अच्छा, बैगन का भरता। ये 320 रुपए किलो है। ये यहाँ का फेवरेट है ये। हाँ, बैगन का भरता। ये दाल मखनी, ये दाल मखनी है, ये भी 320 रुपए किलो है। 320 रुपए किलो है। पनीर लोगे तो 400 रुपए किलो है। 480। ये दाल फ्राई है। दाल फ्राई हो क्या? देखो रंगत, देखो कितनी बड़ी है। 280 रुपए की। ये अमृतसरी छोले। अच्छा, अमृतसरी छोले 320 रुपए किलो है। 320 रुपए किलो। ये हमारा मिक्स वेज। अच्छा, देखो पनीर भी आपको क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है पनीर की। पंकज जी, पनीर से ज्यादा प्यार है आपको? यहाँ सबसे ज्यादा जो डिश है पनीर की है। ये 360 रुपए किलो। ये पुलाव, ये पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला, ओए होए, देखो रंगत, देखो भाई साहब। तो क्या रेट रहती है? 480 रुपए। पनीर के साइज दिखा दो अंकल जी। मेरा भाई पीस देख लो आप पनीर के, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े पीस है। वेज पुलाव, ये पुलाव है पनीर लवर के लिए बेस्ट जगह है ये, पनीर पुलाव। और इसमें ये राजमा है। ये पनीर पुलाव के साथ राजमा, क्या जायका है। और यहाँ भी लिखा हुआ है जायका कुछ करके लिखा हुआ है अंकल जी, जायका स्वाद का। स्वाद का इसमें सादा पुलाव, राइस, प्लेन राइस है। देखो दो तरह के राइस है, प्लेन राइस भी मिलेंगे यहाँ आपको, पनीर राइस भी मिलेगा। और ये प्याज आलू, आलू, हाँ प्याज आलू है। ये प्याज आलू है, ये सबसे हमारी सबसे क्या रेट? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो सबसे। तो सारा कुछ तौल के रहता अंकल जी? जी सब। तो ये तौल का कंसेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? शुरू से हमारा जो है, जब से हमने ये काम शुरू किया, तौल के। तो हिंदुस्तान में ऐसी कोई रेस्टोरेंट नहीं, ऐसी कोई दुकान नहीं है तौल के, जो तौल के आज तक बनी बनाई सब्जी। बाबू जी, आज तक मैंने कच्ची सब्जियां देखी है तुलते हुए। वही तो मैं कह रहा हूँ, चाप चाप के जो शौकीन है ना, उनके लिए भी बहुत बेहतर है ये। तो ये क्या रेट रहती है अंकल? ये भी 480 रुपए किलो। 480 रुपए किलो है सोया चाप। और ये कढ़ाई पनीर, पनीर देखो पीस देख लो आप, बड़े बड़े पीस है। ये भी 480 रुपए पनीर सब फ्री में। 480। अच्छा, रोटियां कौन कौन सी रहती है अपने पास? सब है। तो लच्छा पराठा भी है, नान भी है, पनीर है, आलू है। अच्छा, सब होगा, सारी चीज है। सब बेबी नान, बटर नान, सब। भाई सारी रोटियों में सारी वेरायटी है। आटे की रोटी, है मिस्सी रोटी। अच्छा, ये मिस्सी रोटी है, आटे की रोटी है, तवा रोटी भी मिलती है यहाँ पर। तवा रोटी नहीं है। अपने भारत का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है, यहाँ आपको तौल के सब्जियाँ दी जाती है। तो सब्जी मेरे पीछे देख लो, काफी सारी सब्जियां हैं और सारी आपको तौल के दी जाती है। सबका प्राइस अलग अलग है। और वैसे आज तक आपने कच्ची सब्जियां देखी होंगी तौलते हुए, बट आज तक आपने सब्जियों को तौलते हुए लेते हुए नहीं देखा होगा। तो वो सारी चीजें दिखाएंगे आपको। तो अभी देखो छोले और ये राइस, बहुत आइटम है। चौदह तरह की, एक दो देखो सब्जियां गिनाते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चौदह तरह की सब्जियां यहाँ पर। 22, हाँ यहाँ भी रखी हुई है, सॉरी 22 तरह की सब्जियां। और पैकिंग का भी अपना देखो मंगल, थाल वाल भी रहता है अपना की केवल जी? नहीं है भाई, यही है।
तो कितने बजे से स्टार्ट हो जाता है? शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक। शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे तक। और अपने फूड प्लाजा को कितना टाइम हो गया यहाँ पे? तो हमें 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। और इससे पहले ये हमारे खास हुए हैं। अच्छा, तंदूर का ये संभालते हैं। अच्छा, तंदूर से। नमस्कार भैया। तो तंदूर वाले भैया आ गए, आप देख लो भाई साहब, चश्मा वश्मा लगा के एकदम। तो अभी बताएंगे भैया कितनी तरह की रोटियां हमारे पास। रोटी आपका स्टोव, पनीर स्टोव नान है, लच्छा पराठा है आपका, और आपका चूचू नान है, और आपका स्टोव नान है आलू प्याज वाला, प्याज मिस्सी है, सादा मिस्सी है, बेबी नान है, बटन नान है, सादा रोटी आटे वाली। अभी ये बताओ बचा क्या? सारा कुछ मिलेगा, कुछ नहीं बचा, जो भी मांगोगे जो मिलेगा सारी चीजें भाई साहब। अभी देखो तैयारी करके रखी हुई है, पूरा ढक के रखा हुआ है, साफ सफाई बिल्कुल A1 है। तंदूर अभी अपना प्रीट हो रहा है, बिल्कुल हीट है। अच्छा, हीट है पूरा, रेडी है एकदम। 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है जी। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर आइटम क्या रहता है जी? सबसे ज्यादा सोया चाप भी की ज्यादा बिकती है। सोया चाप ज्यादा, पनीर है। अच्छा, वैसे तो सभी सभी है, यहाँ पनीर की डिमांड ज्यादा रहती है। नहीं, बेसिक सब्जी है। रोटियों में सबसे ज्यादा डिमांड? रोटियों में सबसे ज्यादा डिमांड सभी की रहती है। सारी है, सारी है, इक्वल है, बराबर है, बराबर है। तो देखो मैं कॉम्बो भी दिखा रहा हूँ, ये कॉम्बो भी मिलता है, कॉम्बो भी है सारा लगा। अमृतसरी सोया चाप प्लस रुमाली रोटी, 4 रोटी है, मशरूम पनीर है, रुमाली रोटी है, मशरूम कीमा है, रुमाली रोटी है, कढ़ाई पनीर है, चिल्ली पनीर है, बिना प्याज, दाल मखनी। तो सारा बिना प्याज लहसुन का, ओनली सिर्फ 7 सब्जियों में प्याज लहसुन है। अच्छा, और बिना प्याज लहसुन का, किसी में भी ना गार्लिक ना लहसुन, गार्लिक नो, गार्लिक नो लहसुन। तो सबसे ज्यादा डिमांड कौन सी सब्जी की रहती है चाचा जी? वैसे हमारा पनीर तो मेन है सब। हाँ, पनीर की डिमांड ज्यादा है, सोया चाप है। तो मुझे लग रहा है अंकल जी को भी पनीर बहुत पसंद है, यहाँ हर दूसरी डिश पनीर है। हाँ। और हर सब्जी में पनीर डाला हुआ है, कुछ ही को छोड़ के। चावल में भी आपको भर के पनीर मिलेगा भाई साहब, ये देख लो भाई। पनीर जो पनीर लवर है ना, उनके लिए फेवरेट स्पॉट हो सकता है ये। एक बार आ गए तो सच बता रहा हूँ मैं आपको, प्यार हो जाएगा फूड प्लाजा से, डी आर फूड प्लाजा। तो देखिए अभी देखो दाल तोड़ रही है, तो कस्टमर आ गए और ये दाल मखनी तोली जा रही है। तो अभी देखेंगे तोलते हुए, आपको दिखाएंगे आपको तोलते हुए। तो देखो वजन हो रहा है यहाँ पर 250 ग्राम है ये। अच्छा चाचा जी, ये 250 ग्राम क्या रेट होगी इसकी? 250 ग्राम की ये 80 रुपए की 250 ग्राम, 80 रुपए की 250 ग्राम। तो 80 रुपए की 250 ग्राम होगी। अभी ये पैकिंग चल रही है, देखिए यहाँ पर पूरा पैक करके दिया जाता है। ये पूरी पैक होगी, अब इसे आराम से कैरी करके घर पे ले जाओ। ऐसे ही ले जाएंगे, अब नहीं खुलेगी, बिल्कुल नहीं खुलेगी। जैसे कोई ग्राहक कहते हैं तरी ज्यादा चाहिए, तरी ज्यादा लीजिए, पनीर ज्यादा चाहिए, पनीर ज्यादा। अच्छा अच्छा, जैसा आप चाहें, जैसा आप चाहें। 22 तरह की सब्जियां यहाँ पर, और हर तरह की रोटियां, हर तरह की, लगभग सभी तरह की नान है, मिस्सी रोटी है, और बढ़िया सा टेस्ट है यहाँ पर, लोगों का कहना है। अभी टेस्ट तो किया नहीं है, टेस्ट करेंगे, बट कंसेप्ट नया है एकदम, बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया सा आइडिया है सर का। और पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमिएगा, आपको इस तरह का आइडिया नहीं मिलेगा, यहाँ तौल की सब्जियाँ दी जाती है, तो है ना यूनिक। देखिए अभी रोटियाँ लग रही हैं, ये आपकी सादा मिस्सी। अच्छा, मिस्सी आ गई। ये आपका मिनी नान। अच्छा, जरा गिरा के दिखाओ। मिनी नान भी है, सादा मिस्सी रोटी भी है। ये दो ऐसे निकल रही है। ये आपका बटर नान, बटर नान भी आ गई। तो लोगों के लिए कुछ ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है सर, मतलब कुछ ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। 22 तरह की आपको सब्जी दी जा रही है, तो भाई रोटियों की भी हर तरह की क्वालिटी है। लच्छा पराठा है, मिस्सी नान है, बेबी नान है, बटर नान है। अभी कौन सी आ रही है जी आपकी? प्याज मिस्सी। प्याज मिस्सी आ गई। स्टफ नान है ये? बटर नान। ये आपका बटर नान हो गया, हम देसी लगाते हैं, बटर यूज नहीं करते, देसी घी। ये आपका बटर नान है, इसके 3 पीस हो जाते हैं। ये आपका 3 पीस हो गए, 3 पीस हो गए। ये स्टफ नान है, स्टफ नान आलू का, स्टफ नान आलू का पूरा अंदर जेनी के भरा हुआ। नहीं देखो, देखो घी कैसे लगाया जा रहा है यहाँ पर, पूरा भरा हुआ आलू, प्याज पूरा स्टफ देख लो, पूरा तबीयत से भरा हुआ है अंदर से। जेनी के नेक हल्का लगा दो, स्टफ
स्टोव नान हो, बड़े प्यार से खिला रहे हो जी, पीस हो जाते हैं आपको, माल भी प्रॉपर मिलेगा आपको भाई। आप पूरे पैसे दे रहे हो तो पूरा माल भी मिलेगा आपको। आपकी सादा रोटी है? सादा रोटी है, 10 रुपए। अच्छा, 10 रुपए बेबी नान। और ये कितने का? ये 40 रुपए। 40 रुपए की है ये बटर नान। 25 रुपए की है। और प्याज मिस्सी आपकी 20 रुपए की प्याज वाली, सादा मिस्सी 15 रुपए की। तो सारे रेट भी मैंने बता दिए। देखिए मिक्स वेज है, मिक्स वेज को अच्छे से पैक किया जा रहा है, साथ में हरी चटनी है। तो ये होगी पैक और रोटियां भी पैक होगी। तो सबसे ज्यादा डिमांड आती है यहाँ पर पैकिंग की आती है, डिनर लोग काफी पैक करा के लेके जाते हैं हरी चटनी और चिली। बाबू जी यहाँ पैकिंग की ज्यादा वो चलती होगी, खाते तो कमी होंगे। पैकिंग ही है सबसे ज्यादा, पैकिंग है यहाँ पर सबसे ज्यादा पैकिंग है भाई। डिनर का सबसे ज्यादा आइटम है यहाँ पर और सबसे ज्यादा पैकिंग ही रहती है यहाँ पर। दोस्तों अभी हमारी प्लेट लग गई है, तो अभी हमने केवल टेस्ट के लिए लिया बैगन का भरता और मिक्स वेज है और ये पनीर है, बटर पनीर है ये। और रोटी लेंगे तो रोटी अभी एक मिस्सी नान, भैया एक मिस्सी नान दे देना, एक नान बटर नान, एक मिस्सी नान, एक नान। सब्जियां बहुत है, जो चाहे ले सकते हो, केवल मेरी फेवरेट है वो मैंने ली है भाई। तौल के कच्ची सब्जियां मिलती हैं, तौल के आपको कुछ और मिल जाएगा, तौल के आपको फल मिल जाएंगे, पर तौल के सब्जी भाई कल्पना नहीं कर सकते हो आप, सोच नहीं सकते हो, सोच से परे है कि भाई ये भी हो सकता है। तो भाई ये भारत है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। देखो भैया की स्माइल भी बता रही है कि सब कुछ हो सकता है। मेरा नाम भी भारत। अच्छा, भैया का नाम भी भारत है। अभी भीड़ भी होती है काफी, तो भाई बहुत भीड़ होने वाली है। 12 बजे तक भीड़ चलती है। अच्छा, 12 बजे तक घी लग गया भाई साहब, घी देख लो, घी लगाने का तरीका तो भर भर के लगाते हैं। मक्खन नहीं है यहाँ पर, घी है, देसी घी यूज किया जाता है। बाकी जगह देखा कि बटर लगाते हैं, बट जो मजा देसी घी में वो बटर में नहीं है। और ये हमारी मिस्सी रोटी आ गई है, सादा मिस्सी है, ऊपर से काट दी। तो जनाब ये हमारी डिनर रेडी हो गया, तो अभी आपको टेस्ट करके बताएंगे DR फूड प्लाजा का फूड कैसा है। तो भैया आपका डिनर तो यही रहता होगा, फेवरेट क्या है आपका? फेवरेट मैं तो दाल रोटी खा ले, दाल रोटी सादा। आज आपको लेकर आया हूँ DR फूड प्लाजा आगरा के अंदर। तो चाचा जी एक बार एड्रेस तो बता दो, पूरा एड्रेस क्या है यहाँ का? DR फूड प्लाजा, एड्रेस नंदी चौक बल्केश्वर, झूलेलाल मंदिर के सामने। झूलेलाल मंदिर के सामने, नंदी चौक बल्केश्वर, बल्केश्वर में नंदी चौक, झूलेलाल मंदिर के सामने। सामने है साईं झूलेलाल मंदिर, जस्ट सामने देख रहा होगा, बस जस्ट सामने है। जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको, तो देखिए जूम करके मैंने दिखा दिया, झूलेलाल मंदिर है बल्केश्वर में, तो जस्ट मंदिर के सामने ही है झूलेलाल मंदिर बल्केश्वर, नंदी चौक के जस्ट सामने है DR फूड प्लाजा। तो देखिए अभी मिस्सी रोटी ली, सादा मिस्सी रोटी है और बैगन का भरता, तो देखने में रंगत तो अच्छी लग रही है। अभी टेस्ट करते हैं, बैगन का मसाला भाई फुल ऑफ मसाले वाला है, मजा आ जाएगा आपको खा के। अभी ट्राई करते हैं यहाँ पर पनीर, तो बटर पनीर है ये, पीस देखो आप, खाना सच में लाजवाब है। यहाँ अभी बहुत क्राउड रहता है, क्योंकि जितने भी आसपास के लोग हैं ना, सभी लोग पैक करा के लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पैकिंग ज़्यादा चलती है, मोस्टली 90% पैकिंग है यहाँ पर। तो ये ले रहे हैं हम मिक्स वेज, मैंने केवल 3 सब्जियाँ ली हैं और तीनों मेरे को बहुत बढ़िया लगी, बट थोड़ी सी ठंडी है, कोई नहीं, आप जब भी आ रहे हो पैक करा रहे हो तो आप गर्म करा सकते हो। बैगन का भरता सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मसाले भर के हैं भाई साहब, मसालों का यार टेस्ट आ रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त है। पनीर भी काफ़ी अच्छा है। तो 6 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको बढ़िया सा भोजन मिल जाएगा, 22 तरह की सब्जी हैं और करीब 7 से 8 तरह की रोटियाँ हैं। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई, एक जगह आपको इतनी सारी सब्जियाँ मिल रही है, वो भी तौल की मिल रही हैं, थोड़ा सा यूनिक है तौल के। आप एक्चुअल में क्या होता है, तौल के क्या रहता है कि आप जितनी खानी है उतनी ही लोगे आप,
और वैसे आप अगर कहीं जाके पैक करा रहे तो उसमें क्या होता है भाई, कभी ज़्यादा भी आ जाती है, कभी कम भी आ जाती है, बट यहाँ आपको उतनी मिलेगी जितनी आपको नीड है। अगर आप सिंगल पर्सन हो, अकेले हो, तो आप उतनी लीजिए, अगर पूरी फैमिली के लिए लेके जा रहे हो तो उतनी लीजिए, हर तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, बट सब्जी आपको तौल के मिलेगी। तो इससे क्या फूड वेस्टिंग बचेगी और जितना खानी उतना लोगे आप, और यहाँ पर काफ़ी तरह की वेरायटी है, तो आप पर डे आप टेस्ट कर सकते हो कुछ ना कुछ नया। तो चलिए दोस्तों, मैं फिनिश करता हूँ यहाँ पर, बढ़िया सा खाना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मिलता हूँ आपसे ऐसे ढेर सारे स्वाद के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो भाई बिना कहीं लाइक कर देना, ढेर सारे कमेंट कर देना, और जब कभी भी आप आ रहे हो DR फूड प्लाजा पर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है। तो दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।